राजदूत को उपस्थित करो। निकाटोर अलेक्जेंडर की तरफ से हम स्वागत करते हैं। आज्ञा महाराज। आज्ञा है। निकाटोर अलेक्जेंडर की तरफ से महाराज पुरु के नाम सेहत और सलामती। महाराज को मालूम हो कि जुपिटर का बेटा अलेक्जेंडर दुनिया को फतेह करने के लिए निकला है, लेकिन उसकी नरम दिली नहीं चाहती कि खामखा बेगुनाहों का खून बहाया जाए। इसलिए वो चाहता है कि जिस तरह महाराज आंभी और उसके यार दोस्तों ने यूनान के सामने सर झुकाकर दानाई का सबूत दिया है और अपने इलाके के अमनो अमान को बचा लिया है, उसी तरह अगर आप भी अलेक्जेंडर को फतेह तस्लीम कर लें तो आपकी हुकूमत, ताकत, मनसब, इख्तियारात सब इसी तरह कायम रहेंगे। आपको सिर्फ 200 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें और सोने के 20,000 अंडे हर साल खराज के तौर पर देना होंगे। इसके एवज में अलेक्जेंडर इस बात का जिम्मा लेता है कि आपकी हुकूमत में कोई दस्तानबाजी न की जाएगी, बल्कि अगर कोई तीसरी ताकत आपके मुल्क पर हमला करेगी तो अलेक्जेंडर की बेपनाह फौजें आपकी मदद करेंगी। राजदूत, अपने बादशाह से जाकर कहो कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, अब वो हिंदुस्तान के तलवार बाग देखेगा। मेरे बादशाह ने महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये दोस्ती का हाथ नहीं, एक पाते का हाथ है। वो चाहता है कि हम एक गुलाम की तरह उसके सामने घुटने टेक कर उसके हाथ को चूमे और वो एक मालिक की तरह हमारी पीठ को थपथपाए। पुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा। तो मैं जाकर क्या कहूँ? कहो आपने हमारा अपमान किया है, हम इस अपमान का जवाब तलवार से देंगे। मैं फिर एक मर्तबा बड़े अदब से अर्ज करता हूँ कि महाराज सोच लें इसका नतीजा क्या होगा। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो राजदूत, लेकिन हम तुम्हें क्षमा करते हैं। प्रधान जी, यूनानी राजदूत के हाथ महाराज सिकंदर के लिए हीरे और मोतियों से जड़ी हुई सोने की दो रोटियां भेज दीजिए। सोने की रोटियां? औरों को आटे, मक्की और जौ से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है, तुम्हारे सिकंदर को सोने, चांदी और जवाहरात से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है। अगर ऐसा न होता तो वो दुनिया के अमन अमान को इस तरह तबाह न करता फिरता। महाराज, आप मेरे सामने मेरे बादशाह की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे बादशाह के सामने होंगे तो ताहीन के ये लफ्ज आपके मुंह से न निकल सकेंगे। हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बादशाह के सामने कह रहे हैं। ये आप क्या फरमा रहे हैं? हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राज दरबार में यूनान का राजदूत नहीं बल्कि खुद सिकंदर खड़ा है। इनकार कर सकते हैं? नहीं, हम इनकार नहीं करते। आपके पास देखने वाली आंख है, हम उस आंख की तारीफ करते हैं। हमारे पास काट करने वाली तलवार भी है, हम जब आपकी तलवार की काट देखेंगे हम उसकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको हमारी हिम्मत की तारीफ करना चाहिए।
जो हमें आपके दरबार में ले आई है। और अगर हम आपकी हिम्मत को बांध कर बंदी घर में डाल दें तो दुनिया कहेगी पुरु के पास अकलमंद आदमी की आंख थी, दिलेर आदमी का दिल न था। और अगर हम आपके कत्ल कर देने की आज्ञा दें तो क्या आपको पछतावा न होगा कि आपने अपनी नादान हिम्मत का कहना मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की? हमें कत्ल करके आपको पछतावा होगा कि आपने दुनिया को दुनिया की जांबाजी से महरूम कर दिया। और आपने ये भी सोचा कि अगर आपने हमें कत्ल करा दिया तो दुनिया आपको क्या कहेगी? आप दुनिया के सुख शांति में आग लगा रहे हैं। आप अपने एक मन को खुश करने के लिए दुनिया की अनगिनत खुशियों का गला घोंट रहे हैं। आप जिधर जाते हैं आंधी और आग आपके साथ साथ जाती है। अगर दुनिया आपको कुछ न कहेगी तो वो हमें क्या कह सकती है? ये कि पुरु ने अपने दरबार में आए हुए सिकंदर को घेर कर मार डाला, ये उसकी बुजदिली और कमजोरी थी। अगर सिकंदर बिना किसी कारण के ईरान, मिस्र और गंधार के लाखों बेगुनाह बेटों को उनके घरों में जाकर कत्ल कर दे तो वो वीर, बहादुर और निकाटो। और पुरु अगर अपने देश की इज्जत और आजादी के लुटेरे को सजा दे तो वो कायर और डरपोक। न्याय की ये दलील यूनानी होठों से बोल सकती है, बाकी दुनिया के होठों से नहीं बोल सकती। आखिर हमारे हिंदुस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या हम में से किसी ने आपके मुंह से रोटी, आपके जिस्म से कपड़ा या आपके मन से कौमी गैरत छीनने की कोशिश की है? क्या हम में से किसी ने आपको अपने मन और मर्जी के खिलाफ चलने पर मजबूर किया है? अगर नहीं तो आप किस न्याय से हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने का यत्न कर रहे हैं? जो बादशाह अपनी सल्तनत को वसी किए बगैर मर जाता है वो बादशाह नहीं है। और जो बादशाह अपने हाथ में आए हुए दुश्मन को छोड़ दे वो क्या है? हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक आदमी पर इतने आदमियों का हमला करना एक ऐसी बेइंसाफी है जिसको दुनिया का कोई मुल्क जायज करार नहीं दे सकता, यहाँ तक कि आपका हिंदुस्तान भी नहीं। और क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो छोटे छोटे कमजोर देशों पर सिकंदर के हमलों को जायज करार दे सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो ये कहे कि सिकंदर के 1,20,000 सिपाहियों के साथ पुरु के सिर्फ 30,000 सिपाहियों पर हमला करना बहादुरी और दिलेरी है? क्या आप अपने 90,000 सिपाहियों से कह देंगे कि तुम एक तरफ हो जाओ, 30,000 सिपाहियों के साथ सिर्फ 30,000 सिपाही लड़ेंगे? क्या दारा के साथ लड़ते वक्त आपने देख लिया था कि आपकी फौज दारा की फौज से कहीं ज्यादा तो नहीं है? अगर नहीं तो इस समय शिकायत क्यों? आपका दांव चल गया, आपने दुश्मन को मार दिया। आपके दुश्मन का दांव चल गया, उसने आपको मार दिया। तो हुक्म दीजिए, आपके दरबार में हर एक के पास तलवार है। हम आपके मन की बात अभी पूरी कर देते और आपकी बोटी बोटी उड़ाकर चील और कौवों को खिला देते, मगर अफसोस कि आप राजदूत के भेष में हैं। सेनापत जी, महाराज सिकंदर को राज सेना की रक्षा में दरिया के उस पार पहुंचा दीजिए। महाराज, मेरा अपराध क्षमा हो। राजनीति कहती है हाथ आए हुए दुश्मन को छोड़ना और अपनी हार खरीदना एक ही चीज के दो नाम हैं। मगर भारत की राजनीति कहती है कि जो शख्स राजदूत का भेष बनाकर आए उसके साथ राजदूत का ही सुलूक होना चाहिए। जाइए राजन, आप स्वाधीन हैं। अब हमारी आपकी मुलाकात युद्ध भूमि में होगी और आशा है कि उस समय आप राजदूत न होंगे और अकेले भी न होंगे। महाराज पुरु, हमने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, लेकिन आप बहादुर हैं, हम आपको सलाम करते हैं। नमस्ते यूनानाधीश, नमस्ते।